तो भैया इतना बड़ा बॉक्स मॉनिटर का सैमसंग का भैया, इतना बड़ा डिब्बा भाई, मैं तो रुक नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा चलो इसको अनबॉक्स करने से पहले आप लोगों को भी ले लेता हूँ और दिखाता हूँ, आपको खुद भी फील करता हूँ और खुद भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये मॉनिटर है क्या, भला इस बॉक्स में है क्या। भैया सैमसंग का G9 है, 240Hz 2K मॉनिटर है और 1000 कर्व पे दिया हुआ है, कर्व एक्चुअल 1000 दिया हुआ है, QLED मॉनिटर दिया हुआ है, 1 ms रिस्पॉन्स टाइम दिया हुआ है और ये जी सिंक कंफर्टेबल और फ्री सिंक कंफर्टेबल, मतलब मींस आप ATI के कार्ड भी लगा के पूरी पावर यूज कर सकते हैं इस मॉनिटर की और NVIDIA के भी ग्राफिक कार्ड पे लगा के भी पूरी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। भाई दिखाते हैं भाई, अब मेरे भाई चलो जल्दी करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं कि ये पैकिंग वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। इससे पहले भी अनबॉक्स किया था लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हुआ, देखते हैं क्या कॉन्फिगरेशन चेंज की है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी G9 ने, हम और सैदाब ने मिलकर बनाई थी, तो भैया देखते हैं इसमें क्या अंतर है, दिखाते हैं अनबॉक्स करके। चलो आओ अनबॉक्स करते हैं, आओ। अरे भैया देख रहे हो कितना बड़ा मॉनिटर है भैया, क्या वजन है यार। देखो भैया इसको अनबॉक्स करते हैं। देखो अगर भैया जब भी ये मॉनिटर परचेज करिएगा पिछले, आराम से बी केयरफुल रहिएगा, दो आदमी लोग इसको अनबॉक्स करिएगा, लेकिन फिलहाल हम अकेले ही ट्राई करते हैं, लेकिन आप लोग मत करिएगा ऐसा ही। हाँ भैया दा पावर है, देखते हैं खोल लेते हैं। तो भैया सबसे पहले इसको ओपन करते ही गलत तो नहीं ओपन कर दिया यार, सीधे सीधे स्क्रीन दिखने लगी। एक मिनट, यहां तो ऐसा तो नहीं है कि डू नॉट ओपन करके लिखा हो सूफी तुमने ब्लेड यहां चलवा दिया हो, है? लिखा है टॉप, ये है टॉप, ये पलट जाएगा ना। हाँ। भैया गलत अनबॉक्स हो गया, फिर से टेप लगा के पलट के खोलते हैं। तो भैया सैमसंग वालों सबसे पहले सुन लो भैया, कोई भी ऐसा हैवी मॉनिटर हो या कोई भी मॉनिटर हो तो जैसा LG लिख के देता है डू नॉट ओपन दिस और ओपन दिस साइड, इस तरह करके लिखा रहता है ना, तो भाई लिख दिया करो ताकि यूजर जो भी रहे अनबॉक्स करने जब जाए तो सही जगह से ओपन कर सके आपके हिसाब से, ताकि वो मॉनिटर सेफ रहे। इसको भैया फिर से अनबॉक्स करता हूँ। भैया कैमरा उतार लो, आप थोड़ा पास से दिखाओ कि क्या क्या निकलता है, किस तरह से पैक होके आता है। तो भैया मॉनिटर अनबॉक्स हो गया है, ये इसकी कुछ केबल्स वगैरह दी हुई हैं, अडेप्टर भी दिया हुआ है या डायरेक्ट पावर दिया हुआ है, अभी ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले भैया इधर सुपी इधर आओ, इसमें ये एक ऑप्शन दिया हुआ है भाई, देखो पता नहीं ये दिया हुआ है, इसमें 4 पेज दिए हुए हैं, इसको निकाल के अलग रख लेते हैं फिर दिखाते हैं ये कहाँ पर यूज़ होगा। फिर ये इसकी केबल है, केबल्स वगैरह अगर ओपन करते हैं, ऐसे काट देंगे सूफी। देखो केबल इसमें जो दिख रही है मुझे, 3 केबल मिली हुई हैं, एक तो आपकी USB वाली केबल दी हुई है, SS केबल दी हुई है और ये एक केबल दी हुई है आपकी डिस्प्ले पोर्ट वाली केबल दी हुई है, दोनों तरफ डिस्प्ले पोर्ट वाली एक केबल ये निकली है और एक दी हुई है पावर वाली, मतलब एक आउटपुट एक पावर और ये आपकी केबल दी है USB केबल दी हुई, ये 3 केबल निकलती हैं इस बॉक्स में। अब दिखाते हैं आपको मिड स्टैंड कैसा दिया हुआ है और आपका बेस स्टैंड कैसा दिया हुआ है। भैया वीडियो पे बने रहिएगा और इसी टाइप से अगर आपको कोई मॉनिटर परचेस करना हो, कंपोनेंट परचेस करना हो, तो YouTube का एक ऑप्शन आ रहा होगा व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करिएगा और ऑप्शन पे जाइएगा और धूम मचा दीजिएगा, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके पूरी प्रॉपर। पता नहीं ये तो भैया ये 1.25 लाख रुपये, डेढ़ की क्या कहते हैं 1,30,000 रुपये का मॉनिटर ले गए, ये 2 कटोरे पकड़ा दिए, देखते किस लिए दिए हुए हैं। ये आपका स्टैंड है, स्टैंड को भी ओपन करते हैं। ये पता नहीं भैया स्टैंड दिया हुआ बिल्कुल एकदम मोगली जैसा फील आ रहा है, बड़ा सा पंजा मोगली का, देखो पता नहीं, देखते हैं कहाँ यूज होगा। और ये आपका हो गया मिड स्टैंड। भैया ये इस टाइप का स्टैंड दिया हुआ है। अरे नाम से। और ये आपका निकल आया बाहर। ये भैया देखो पता नहीं कौन सी गंदी हुई है, देखते हैं सेट करके इसको। भैया पहले इसका निकालते ही जैसे ही थर्माकोल निकालेंगे तुरंत आपको मॉनिटर बैक साइड से भैया ऐसे ही ओपन करिएगा, ताकि स्टैंड लगा लें, बेस लगा लें, फिर निकालें इसको। और स्टैंड लगा के पहले देख लीजिएगा किस तरफ है, उस हिसाब से रोटेट कर लीजिएगा तभी लगाइएगा। पहले ये पक्का कर लीजिएगा कि स्टैंड ठीक से लग गया है, मिड स्टैंड लग गया है, बेस स्टैंड लग गया है, उसके बाद निकालिएगा मॉनिटर को आराम से। क्योंकि भैया फिर क्योंकि अगर अकेले हो तब तो ठीक है, झेलना ही पड़ेगा, दो हो तो बहुत अच्छा है,
तो भैया जो कटोरा दिया था मांगने के लिए, तो भैया ये काफी मजबूत है, आई थिंक ये वॉल माउंट है, ये खांचा दिया हुआ है यहाँ पे बॉक्स पे और मॉनिटर पे दिया हुआ है, ये ऐसे रखा जाएगा और जो चार स्क्रू हैं वो यहाँ पे टाइट हो जाएंगे, बाकी ये फोर होल जो बचे हुए हैं वो आपके माउंट में यूज होंगे। तो इसको अभी हमें कोई नीड नहीं है, इसको निकाल देते हैं और इसके पेज भी निकाल देते हैं, ये अलग कर देते हैं। बाकी जो छोटी छोटी कटोरी दी हुई है ये आई थिंक ऐसा लगता है ये आपका स्टैंड लगने के बाद ये लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ये ऐसे करके घुमाएंगे रोटेट करेंगे ये लॉक हो जाएगा और ये दो पार्ट में हो जाता है। तो पहले मिड स्टैंड लगा लेते हैं फिर इसको थोड़ा सा ग्रिप करने के लिए फिर ये लगा देते हैं, पहले लगा लेते हैं मिड स्टैंड। ये कट यहाँ पे दिया हुआ है और एक कट यहाँ पे दिया हुआ है, ये कट यहाँ पे ऐसे मैच होगा और ये इसको जाएगा ग्रिप करेगा अंदर जाएगा ये देखो, और जो ये स्क्रूस में लगे हुए इनको करना है क्लॉकवाइज टाइट, और ये देखिए ये आपके स्क्रू कर लेते हैं टाइट ताकि मजबूती से देख लें, ये देखो एक तरफ ये लग गया। भैया मिड स्टैंड लग गया है प्रॉपर, अब लगा लेते हैं इसका बेस। बेस लगाने का सिंपल तरीका, ये आपका मोगली का सिंबल दिया हुआ है, इसको लगाना है केवल मैच करना है, ये लगा दिया, लग गया भैया। देखो भाई ये पीछे दिए हुए हैं पांच होल, ऐसे ही बिल्कुल बेस मिड स्टैंड पे भी पांच होल दिए हुए हैं, ये होल टू होल मैच करने हैं और रख देना है, ये देखो भाई ये रख गया, और पीछे इसका स्क्रू कर लेते हैं टाइट। भैया बेस स्टैंड लग गया, मिड स्टैंड लग गया, अब इसको निकाल लेते हैं। अब भैया मॉनिटर निकाले जा रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, बड़ा मॉनिटर है, दो लोग अटेम्प्ट करिएगा मिलके, टीम वर्क करिएगा तभी निकालिएगा, अनबॉक्सिंग करिएगा ऐसे मत करिएगा, मैं भी ट्राई करता हूँ लेकिन थोड़ा सा देख के। सूफी 1 2 3 और माय गॉड कितना भारी है यार, ये उठेगा नहीं क्या? बाहुबली हटा हटा बॉक्स हटा, अबे हेल्प करा के। ओ भैया तू भी हाथ लगा ले बस एक बजरा सा, बस 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 आराम से आहिस्ते से आहिस्ते आहिस्ते। ओ भाई साहब ओ हो एक बार तो जान अटक गई थी। अरे भैया भैया अकेले अटेम्प्ट मत करिएगा बिल्कुल भी। भैया मॉनिटर कर दिया है असेंबल, पूरा प्रॉपर असेंबल कर दिया है वो। तो भाई बैक साइड से अगर टेक्चर देखा जाए तो ये स्टील कोटेड टेक्चर ये दिए हुए हैं यहाँ पर, और जो आपकी वो भीख मांगने वाली दो छोटी कटोरी दी हुई थी भाई, दो पार्ट में करके ये इसको हाइड कर दिया है स्टैंड लगने के बाद, और आराम से लॉक हो गया रोटेट करके, तो ये लग गई है। और भैया टेक्चर वगैरह देखेंगे तो ये स्टील के टेक्चर दिए हुए हैं, और ये आपकी पोर्ट की बात करेंगे तो एकदम भाई सूफी दिखा पाओगे तो देखो भैया हेडफोन दिया हुआ है, देखो एक हेडफोन का ऑप्शन दिया हुआ है, HDMI पोर्ट दिया हुआ है, DP पोर्ट दो दिए हुए हैं, और साथ में आपका SSUSB PC इन केबल का ऑप्शन दिया हुआ है और USB के ऑप्शन दिए हुए हैं दो, और साथ में पावर लेगा ये, यानी कि LED मॉनिटर है, यानी कि इसका मॉनिटर का लॉजिक कार्ड का सेक्शन और पावर सेक्शन मॉनिटर के अंदर है। अब फ्रंट से दिखाते हैं इस मॉनिटर का लुक। भैया कर्व जो दिया हुआ है 1000 कर्व दिया हुआ है, कर्विंग इसकी देखिए भाई पूरा, देखो भाई इतना बड़ा मॉनिटर है अगर फ्लैट करते ना तो आई थिंक मैं भी फील कर रहा हूँ, तो भाई एक बार यूं देखना पड़ता, इधर देखना पड़ता, पता नहीं व्यू एंगल कैसा आता। तो ये सैमसंग का अपना अलग है भाई, और दूसरी चीज ये आपका सैमसंग के मॉनिटर का हीरो प्रोडक्ट है, इससे अच्छा मॉनिटर सैमसंग में गेमिंग में नेवर। ये जीसिंग कंफर्टेबल है, फ्रीसिंग भी कंफर्टेबल है, तो मतलब आप ATI के कार्ड और NVIDIA के कार्ड दोनों भी यूज करेंगे बढ़िया बिल्कुल, उससे कैलिब्रेशन करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसको करते हैं ऑन और दिखाते हैं इसके मतलब देखते हैं भाई, अब जब ऑन कर दिया तो दिखा भी देते हैं आप लोगों को, बताइएगा कैसा लग रहा है मॉनिटर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के नए प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो YouTube का एक नया फीचर आया है व्यू प्रोडक्ट, जाइएगा चेक करिएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। वाह भैया आ गया, देख लीजिए भैया कितना हैवी मॉनिटर है, लुक वाइज भाई कैसा लग रहा है भाई साहब, इतना हैवी मॉनिटर भाई, 240 हर्ट्ज का मॉनिटर है, NVIDIA G-Sync 1ms रिस्पॉन्स टाइम, और ये आपका 240 हर्ट्ज में 2K 1440p। तो बैक साइड का पोर्शन दिखाते हैं भैया, देखो बैक साइड में कैसे दिया हुआ है भाई, बैक साइड में पूरा फुल मतलब इसमें देखो मैंने देखा हुआ है, अंदर मेनू में ऑप्शन दिया हुआ है आपका, RGB भी दिया हुआ है, ARGB दिया हुआ है, रैम्बो दिया हुआ है, इस टाइम मैंने ये रैम्बो पे सेट कर रखा है पूरा। और फ्रंट में मेनू में दिखाते हैं आपको कि ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, देखो यहाँ पे लाइट ऑन का भी ऑप्शन है, ऑफ का भी ऑप्शन है, आप
रेगुलर इसको ऑन भी कर सकते हैं और लाइट के इफेक्ट दिए हुए, देखो मैंने इफेक्ट लगा रखा हुआ है रैम्बो भाई। देखो भाई बहुत सा का ये रहता है कि पीछे बैक साइड की लाइट कैसे ऑन ऑफ होती है, तो ये ऑप्शन मीडू में मिलेगा आपको भैया। यहाँ पे जाइएगा, फ्लैश लाइट, डबल फ्लैश और ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैटिक, रैम्बो, फ्लैश, ये देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कलर इफेक्ट में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और भैया आप दिखाते हैं लाइव बेंचमार्क और दिखाते हैं कि भाई देखो ये देखो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो भाई 2K पे लगा हुआ है और ये हर्ट्ज नीचे देखेंगे, इसके हर्ट्ज कितने दिए हुए हैं, एडवांस सेटिंग में गए और ये देखो ये अपने आप ले रखा है 240 हर्ट्ज। तो भैया जो मशीनी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, CPU देखो भैया दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है 13900K और रैम की बात करेंगे भैया देखो 64GB रैम लगी हुई है और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। सुपी जा कैमरा हटा भाई, ग्राफिक कार्ड तकाने दो, इन लोग दिखा दे भाई RTX 4080 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क भाई, मशीन तो हैवी है, देखते चला के क्या परफॉर्म करता है मॉनिटर, कैसा लगता है देखने में, आइए शुरू करते। Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.
तो भैया बेंचमार्क हो गए भैया, देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने समझा भी दिया भैया मॉनिटर कैसा लगा भाई, एकदम स्मूथ चल रहा था, मक्खन चल रहा था भाई, कोई कन्फ्यूजन भी ऐसी थी और मॉनिटर भी जबरदस्त था। तो इसके मूवमेंट की बात कर लेते हैं, देखो मूवमेंट नहीं दिखाया मैंने इसके भाई, ये आपका अप डाउन हो जाता है भाई, ये देखो ये इसमें ये एक ऑप्शन ये दिया हुआ है अप डाउन के, अप डाउन करने का, और ये आपका लेफ्ट मूवमेंट और ये लाइट राइट मूवमेंट हो गया, और ये टेक्चर इसका अप एंड डाउन भी होता है, ये देखिए ये अप एंड डाउन। आपको क्या लगता है कि जिस प्राइस रेंज में ये मॉनिटर आता है क्या ये डिजर्व करता है? 2K मॉनिटर, 240 हर्ट्ज़, 1 ms रिस्पॉन्स टाइम, जी सिंग, एनवीडिया सिंग कंफर्टेबल, और आपका फ्री सिंग भी दिया हुआ है। क्या लगता है 49 इंच 1000 करोड़ रुपये दिया हुआ है मॉनिटर कैसा है? आई थिंक मुझे लगता है ये ट्रेडिंग में बहुत अच्छा यूज़ में आता है। तो भैया वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर इसी तरह का आप मॉनिटर वगैरह कोई भी बेल्ट वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो YouTube का एक ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट में क्लिक करिएगा, व्यू प्रोडक्ट में जाइएगा और वहां से परचेस करिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भैया बहुत मेहनत लगी भैया थोड़ा सा, भाई देखो मैंने बताएं मेहनत किस लिए की भाई, मुझे मॉनिटर आया मैंने कहा लाओ देख लेता हूं और आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूं, दिखा लेता हूं कि इस टाइप की ये चीज़ आती है, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी देखने को मिलती है या जल्दी कोई परचेस करता है इतना हैवी मॉनिटर। तो जो भी इस मॉनिटर को परचेस करना चाहता है तो पहले अनबॉक्सिंग देख ले कैसा है मॉनिटर, क्या परफेक्ट है, ठीक है भाई? इसलिए बनाई थी वीडियो। तो भैया जो भी जैसी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भैया बिल्ड को यहीं ख़त्म करते हैं, बिल्ड कर गए सॉरी मेरी तो आदत पड़ गई ना बिल्ड करते करते, अनबॉक्सिंग यहीं क्लोज करते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किसी और मॉनिटर की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए, और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सूफी कुछ कह रहे हो, कुछ रह गया?